रिकॉर्डिंग कीजिएगा, अच्छा से समझ है। डिजिटलाइजेशन की दुनिया में फोटोशॉप सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि हर कोई फोटोशॉप कर अपने चरित्र को अव्वल बनाना चाहता है। ऐसे में जब 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है तो एक बार बिहार में पोस्टर वार छिड़ गया है। छिड़ना भी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा राम को अपनाती है चुनाव आते ही, वहीं कांग्रेस ने इस राम को अपनाया ही नहीं बल्कि राम के चरित्र में खुद को ढाल लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। भारत लाइव ने आपको लगातार पोस्टर वार से जुड़ी हर खबरों को दिखाया था, ऐसे में अब एक बार फिर ये पोस्टर बवाल कर रहा है, क्योंकि कई सारे हिंदू संगठन हैं जिसने इस पोस्टर के खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। और अब जितने भी पोस्टर राहुल गांधी के चेहरे पे जो राम बनाया गया था उन सभी को फाड़ना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जब ये पोस्टर वायरल हो रहा था, इसके तुरंत बाद ही प्रियंका गांधी का भी एक पोस्टर वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा सकता था कि प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप दिया गया है और वो भाजपा नेताओं की वध कर रही हैं। ऐसे में एक प्रियंका गांधी का भी पोस्टर वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप दिया गया है और वो मुख्यमंत्री का वध कर रही थी। अब ये बात कई हिंदू संगठन को खल गई, जिसके बाद इन्होंने विरोध के साथ साथ सारे पोस्टर्स फाड़ने लगे। सब हटा ही दीजिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा। सब हटाइए दीजिए, ये ओपन है भैया, ये ओपन जगह पे स्पेस पे। हाँ तो क्या दिक्कत है, नहीं रहेगा तो कहाँ से बोलिएगा, जगह देख ले बगल वाला देख कर के लिए उसका तारामंडल निकट है ना, तारामंडल बीजेपी ऑफिस के पास बीजेपी ऑफिस से पहले जो चौराहा है वो चौराहा है। कहाँ जब अरे विकास जी लीजिए पकड़िए इसको लीजिए। राम बनने वाले को राम राम सच कर दिया जाएगा। लोकेशन लीजिए इधर, और इधर नहीं ना लगा हुआ कहीं तो आप नहीं है। चलिए और क्या तो है, देखो तो इधर देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, पोस्टर फाड़ा दिया राम बन रहा था। चलिए हड़ताली मोड़ का है, हड़ताली मोड़ को छुपा दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, ये पटना के हड़ताली मोड़ का है, बिरयानी शॉप के सामने आई पंच भवन है। इनका ये दिखाइए, देखिए इनके लगाने वाला जो है विजय कुमार आलोक देखा, देखना विजय सिंह जी है और उसका विजय कुमार सिंह है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आलोक खर से है युवा कांग्रेस नेता। विभाग वाला ले लो, विभाग वाला विभाग वाला देखो, वो विभाग वाला विभाग का नियंत्रण विभाग हटिए। अरे जो ऑफिस है ना, ऑफिस का बोर्ड, अरे पंच भवन है सब ले लीजिए, पंच भवन ले लीजिए। यहाँ 3 फरवरी को रैली होना है, इसी में ये मजाक बना दिया, 3 फरवरी को यहाँ होने वाली है गांधी मैदान में, उसी में मजाक बना है। इसमें देखिए ये भी काम मिले अशोक खर्च, युवा कांग्रेस नेता जो है तो नजदीक लाके दिखाइए लोगों को, इतना कल पता चले। विजय कुमार सिंह जी
वोट के लिए अपनी माँ बहन तक को भेज। जाइए ना ग्रुप में, जाइए ना, जाइए तो सब जाइए ना। गीत गीत कर सके राम बनने चले हैं मौर्या लोग के स्थित सारे जगह पूरा बिहार में जहाँ जाना है सभी जगह ये बैनर को राम का अपमान नहीं सही जाएगी। चलिए जाइए सब जाइए जाइए सो जाइए 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 रिकॉर्डिंग कीजिएगा अच्छा से समझे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पोस्टर राहुल गांधी को राम का रूप देकर बनाया गया था, वहीं प्रियंका गांधी को दुर्गा का। अब कई हिंदू संगठन इस पर भड़क गए हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जाते जाते आपको एक जरूरी जानकारी देते चले कि अब जब सारे पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है तो जितने भी हिंदू संगठन हैं वो मीडिया से बात करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें लगातार कांग्रेस द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब जब चुनाव नजदीक है, हर कोई राम को अपनाना चाहता है, ऐसे में कांग्रेस ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए खुद को राम बताया था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और राम का जो रूप दिया गया था वो राहुल गांधी को ही दिया गया था। खैर ये भारत है, भारत में सबसे पहले आस्था को लोग आगे रखते हैं, और जब भारत जो हिंदुओं का देश कहा जाता है, यहाँ जब हिंदू की आस्था पर चोट लगती है तो हर कोई अपनी आवाज को बुलंद करता है। अब जब राम के चरित्र में राहुल को देखे जनता और जब प्रियंका गांधी को दुर्गा के रूप में देखा तो हंगामा होना लाजमी था। खैर अब इस पर कांग्रेस किस तरीके से एक्शन लेती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहें भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।